नमस्कार, मैं हूं स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो आज हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा को लेकर। जी हाँ, आज परिणीति चोपड़ा का 35वां जन्मदिन है और उन्होंने कुछ समय पहले ही राघव चड्ढा के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है। परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड में काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं और काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कई सारे सुपरहिट मूवीज भी दी हैं। आज परिणीति चोपड़ा को लेकर हम उनके अफेयर्स को लेकर कई सारी दिलचस्प बातें आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं उनसे लेकर कई सारी दिलचस्प बातें। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को लोग काफी पसंद करते हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में अपने दम पर बड़ा मुकाम हासिल किया है। एक्ट्रेस ने कई फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया। आज 22 अक्टूबर को एक्ट्रेस पूरे 35 साल की हो गई है। राघव चड्ढा संग शादी के बाद एक्ट्रेस का ये पहला बर्थडे है। फैंस लगातार एक्ट्रेस को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इस बीच हम आपको परिणीति की ख्वाहिश के बारे में और उनसे जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताएंगे। दरअसल परिणीति चोपड़ा की एक ख्वाहिश है कि वो बहुत सारे बच्चे गोद लेना चाहती है। इस बात का खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था। परिणीति ने इंटरव्यू में बातचीत में कहा वो अपनी इस इच्छा को जाहिर किया था। इस इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने एडॉप्शन के बारे में सवाल किया गया था, जिसके जवाब में परिणीति ने कहा था कि मैं बच्चे अडॉप्ट करना चाहती हूँ, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए। अब मैं इतने सारे बच्चे कंसीव तो नहीं कर सकती, इसलिए मैं कुछ बच्चे गोद ले लूँगी। परिणीति ने बताया था कि उन्हें लड़कों की क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, जिसके जवाब में एक्ट्रेस ने उन 3 आदतों का खुलासा किया था जो वो अपने पार्टनर में चाहती हैं। परिणीति ने कहा था कि लड़के का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, जो उन्हें हंसा सके। दूसरा, लड़का कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। और तीसरा, लड़के हमेशा अच्छा महकते हैं, यानी गुड स्मेल उन्हें अट्रैक्ट करेगी। बता दें कि परिणीति चोपड़ा ने 24 सितंबर को आप सांसद राघव चड्ढा संग शादी रचाई है। दोनों की ये ग्रैंड शादी उदयपुर के लीला पैलेस होटल में हुई, जहां उनकी फैमिली और फ्रेंड्स ने शिरकत की थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस अक्षय कुमार के साथ फिल्म रानीगंज में नजर आ गई है। ये फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 22 अक्टूबर 1988 को अम्बाला में जन्मे परिणीति चोपड़ा आज बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। भले ही आज के समय में उनके पास काम की कमी हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि वो एक्ट्रेस बनेंगी। दरअसल परिणीति चोपड़ा बचपन से ही पढ़ाकू थी और पढ़ाई में तेज होने की वजह से स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा अव्वल रही। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का सपना लिए बड़ी हुई परिणीति महज 17 साल की उम्र में अपने वतन से दूर इंग्लैंड पढ़ाई लिखाई के लिए चली गई। एक्ट्रेस ने इंग्लैंड में बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में अपने ट्रिपल ऑनर्स कर ली। इसके साथ परिणीति ने म्यूजिक में BA ऑनर्स भी कर रखा है, जिसका नतीजा है कि वो आज फिल्मों में अपनी एक्टिंग के साथ ही आवाज का जादू भी चलाती हैं। विदेश में पढ़ाई पूरी होने के बाद परिणीति चोपड़ा अपने वतन लौटी और मुंबई में यशराज फिल्म्स में काम करने लगी। ये काम एक्टिंग से जुड़ा कतई नहीं था। दरअसल मुंबई आकर परिणीति ने यशराज फिल्म्स के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप की और उसके बाद इसी के पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट डिपार्टमेंट में जुड़ गई। PR डिपार्टमेंट में काम करने के दौरान उन्होंने फिल्म बैंड बाजा बारात के सभी इवेंट संभाले और वही उस समय था जब इस फिल्म के इंटरव्यू को संभालते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वो भी अभिनेत्री बनना चाहती हैं। महज 3 महीने के अंदर अंदर परिणीति अनुष्का शर्मा की PR से उनकी को स्टार बन गई। दरअसल एहसास होने के बाद परिणीति चोपड़ा ने फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बेल का ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट हो गई। कुछ इस तरह हमारी पढ़ाकू परिणीति ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। लेडीज वर्सेस रिकी बेल में बतौर सह कलाकार काम करने के बाद परिणीति ने साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म इश्कज़ादे में मुख्य भूमिका निभाई और इसी से उन्हें पहचान भी मिली। इस फिल्म में उनके अभिनय से सभी बहुत प्रभावित हुए थे। फिर क्या था, वो एक के बाद एक प्रोजेक्ट साइन करती गई। परिणीति ने इसके बाद शुद्ध देसी रोमांस हंसी तो फंसी, दावत इश्क, मेरी प्यारी बिंदु, ऊंचाई और मिशन रानीगंज जैसे फिल्मों में काम किया। एक इंटरव्यू में परिणीति ने ये खुद खुलासा किया था कि वो बचपन से ही अपने माता पिता से नफरत करने लगी थी। एक्ट्रेस ने कहा था कि जब वो छोटी थी तो उन्हें साइकिल से स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास कार खरीदने के पैसे नहीं थे। पापा भी उनके पीछे पीछे जाते थे। जब चले जाते थे तो कुछ लड़के उन्हें बहुत परेशान करते थे, कभी उनके साइकिल पकड़ते थे तो कभी स्कर्ट खींचते थे। एक्ट्रेस ने कहा कि जब वो लड़के उनसे परेशान करते थे तो
उन्हें बहुत गुस्सा आता था, इसी वजह से वो अपने माता पिता से नफरत करने लगी थी। वही उनका तर्क होता था कि वो मुझे मजबूत बना रहे हैं, लेकिन तब मेरी समझ से सब परे था। यशराज बैनर में काम करने के दौरान परिणीति ने एक दिन रानी मुखर्जी की पीए का काम भी किया था। परिणीति का कहना है कि रानी ही वो पहले शख्स थी जिन्होंने कहा था कि उन्हें बॉलीवुड में हाथ आजमाना चाहिए। परिणीति एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर भी हैं, वो बॉलीवुड में कई गाने भी गा चुकी हैं। अब हम अगर परिणीति की फिटनेस की बात करें तो परिणीति कभी बहुत मोटी हुआ करती थी। उन्होंने अपना वजन कम करने के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए थे। दरअसल एक समय पर परिणीति का वजन 86 किलो था और उन्होंने इसको 28 किलो कम किया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो वो हाल ही में मिशन रानीगंज में नजर आई हैं। यशराज फिल्म से काम करने के बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने साल 2011 में सबसे पहले फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बेल में बतौर एक्टिंग करियर शुरू किया था, जिसके बाद एक्ट्रेस को इस फिल्म में काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म में रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म के बाद परिणीति ने तमाम मूवीज में अभिनय किया था। इसके बाद वो इश्क ज़ादे में नजर आई थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। इस फिल्म में उन्होंने मुस्लिम लड़की जोया का रोल अदा किया था और इसके बाद परिणीति फेमस हो गई थी। उसके अलावा वो शुद्ध देशी रोमांस, गोलमाल अगेन, केसरी, किल दिल, हंसी तो फंसी, दावत ऐश जैसी मूवीज में अपने शानदार एक्टिंग की। फिल्म में अक्षय की एक्टिंग को देखकर यही ख्याल आता था कि अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गई हैं। वो पूरी तरह से अपने किरदार में घुसे हुए नजर आ रहे हैं। मिशन रानीगंज मूवी में अक्षय कुमार के अलावा इस फिल्म में रवि किशन ने बहुत ही शानदार काम किया। फिल्म में उन्हें बहुत अच्छा स्क्रीन स्पेस भी मिला। उनका भोजपुरी एक्सेंट बहुत ही कमाल का है और उन्होंने अपने किरदार पर बहुत ही अच्छा काम किया। वही हाल ही में इस शादी के बंधन में बंधी परिणीति चोपड़ा को इसमें कम स्क्रीन स्पेस मिला है, लेकिन अक्षय के सामने वो जितनी देर भी दिखाई पाई हैं उन्होंने अपने कैरेक्टर को खरा उतारने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उनका लुक, डायलॉग सब कुछ शानदार है। इनके अलावा फिल्मों में कुमुद मिश्रा, पवन मल्होत्रा, दिव्यांशु भट्टाचार्य, राजेश शर्मा और जमील खान जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। अब हम फिल्म की कहानी की बात करें तो परिणीति चोपड़ा की मिशन रानीगंज की कहानी कोलकाता के रानीगंज के कोयला खादान में काम करने वाले मजदूरों की है। एक दिन अचानक माइन में पानी लीक होने लगता है, फिर देखते ही देखते पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। वही जब वहाँ काम कर रहे मजदूरों को यह एहसास होता है तो वो बाहर निकलने की जद्दोजहद में जुट जाते हैं। वही अपने घर के सदस्यों को इस मुश्किल परिस्थिति में देख गांव वाले ये खबर सुनकर बेहद घबरा जाते हैं। अब बात होती है जसवंत सिंह गिल की एंट्री की, जो कि माइनिंग इंजीनियर के अलावा रेस्क्यू ट्रेंड ऑफिसर भी थे। लाख कोशिशों के बावजूद जब कोई भी हल नहीं निकल पाता है तब जसवंत साहब को एक आइडिया आता है। वो एक कैप्सूल बनाते हैं जिसके जरिए कोयले की खदान में फंसे लोगों को निकाला जाता है। अब मौजूद समय में परिणीति चोपड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी सुर्खियां बटोर रही थी। इस बीच हम आपको बताएंगे कि परिणीति चोपड़ा का नाम किन सेलेब्स के साथ जुड़ा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर किन किन सेलेब्स के साथ परिणीति चोपड़ा का रिश्ता जुड़ा था। बॉलीवुड के फेमस एक्टर और इश्कज़ादे के परिणीति चोपड़ा के को स्टार रहे अर्जुन के साथ भी एक्ट्रेस अफेयर को लेकर भी एक्ट्रेस का नाम काफ़ी सुर्खियों में बन। हालांकि इन दोनों कलाकारों ने कभी अपने रिश्तों पर खुलकर बात नहीं की। इसके बाद दावत इश्क एक्टर आदित्य रॉय कपूर के साथ परिणीति चोपड़ा के डेटिंग की खबरें भी काफ़ी छा रही थी। हालांकि इस मामले भी की भी कई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई थी। अब इतना ही नहीं, फिल्म मेकर मनीष शर्मा संग भी परिणीति चोपड़ा के अफेयर की खबरें सामने आई थी। बीते समय में फिल्म कोड नेम तिरंगा के दौरान पंजाबी एक्टर हार्डी संधू के साथ भी परिणीति चोपड़ा को डिनर पर स्पॉट किया गया था, जिसके बाद इन दोनों की डेटिंग के कयास लगाने शुरू हो गए थे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ। गुड बाय।